उधर बीएसपी का मिशन 2024 मायावती का आज महाराष्ट्र के नागपुर से चुनावी शंखनाद होने जा रहा है। नागपुर के बाद मायावती का मिशन पश्चिम यूपी। पश्चिम यूपी में मायावती 10 रैलियां करेंगी। 14 अप्रैल से 23 अप्रैल तक 12 लोकसभा सीटों के लिए प्रचार करेंगी। 14 अप्रैल को मुजफ्फरनगर सहारनपुर में रैली होगी। 15 अप्रैल को रामपुर और मुरादाबाद में जनसभा। 16 अप्रैल को बिजनौर और नगीना में जनसभा। 21 अप्रैल को मुरादनगर और अमरोहा में जनसभा। 22 अप्रैल को सिकंदराबाद में रैली और 23 अप्रैल को मेरठ में जनसभा। 2019 के लोकसभा चुनाव में सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा और नगीना सीट पर बीएसपी की जीत हुई थी। तो आज नागपुर में मायावती की रैली है और इसके बाद मिशन पश्चिम यूपी पर फोकस रहेगा मायावती का। 10 रैलियां मायावती की तरफ से की जाएंगी और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल रघुवंशी इस वक्त जुड़ गए हैं। विशाल, बीएसपी भी तेजी के साथ जनता के बीच पहुंचने की तैयारी में है, मायावती 10 रैलियां करेंगी आने वाले वक्त में। देखिए बिल्कुल, मायावती भी जो है चुनावी मोड में पूरी तरह से आ चुकी है और आज नागपुर से इसकी शुरुआत हो रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी पूरी तरह से फोकस जो है वो अब बसपा सुप्रीमो पर रहेगा और इसीलिए जो तमाम जो 12 लोकसभा सीटें हैं उनके लिए 10 रैलियां जो है तैयारी कर ली गई है। 14 अप्रैल से 23 अप्रैल तक ये पूरी रैलियां होंगी। 14 अप्रैल को मायावती मुजफ्फरनगर सहारनपुर में रैली करेंगी। 15 अप्रैल को रामपुर मुरादाबाद में रैली करेंगी। 16 अप्रैल को बिजनौर और नगीना में जनसभा करेंगी और 21 अप्रैल को मुरादनगर और अमरोहा में जनसभा करेंगी। 22 अप्रैल को सिकंदराबाद और 23 अप्रैल को मेरठ में मायावती जो है जनसभा करेंगी। चूंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा और नगीना सीट जो ये बसपा के खाते में गई थी, लेकिन इस बार चूंकि तमाम जो मौजूदा सांसद थे बसपा के उनका टिकट बसपा ने काट दिया है, तो ऐसे में नई चुनौती है बसपा के सामने। इस बार समाजवादी पार्टी का भी साथ नहीं है बसपा के साथ, तो ऐसे में मायावती की जनसभाएं कितना असर करेगी ये देखना होगा। तो मायावती की जनसभा कितना असर डालती है जनता पर ये देखना होगा आने वाले वक्त में। मिशन पश्चिमी यूपी रहेगा जिसमें 10 जनसभाएं की जाएंगी मायावती की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विशाल रघुवंशी इस जानकारी के लिए।